हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ आदविका जा रही है स्कूल, उनके लंच में रखा था मैंने आलू और पराठा। और उसके बाद मैंने एडी के पापा की बॉटल जो ऑफिस वाली हैं वो तैयार करके रखी थी उनके बैग में। और क्या होता है, बहुत उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो सारा सब कुछ मुझे ही पैक करना पड़ता है। तो रात में लेट भी थोड़ा हो जाता है सोना, इसलिए सुबह उनको बहुत नींद आती है, तो सब कुछ रेडी करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी लगभग तैयार हो गई है, बस थोड़ी सी भूननी और रह गई है। तो यहाँ पे बस अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। अब मैंने ये नाश्ते में उपमा बनाया था, तो यहाँ पे फिर मैंने स्प्राउट भी तैयार कर दिए थे, टमाटर प्याज। देखिए यहाँ पे मेरे स्प्राउट भी तैयार हो चुके हैं, बस वो जब नीचे आते हैं तो फटाफट उनको नाश्ता देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना दी थी और बस फिर मैं ऊपर गई थी, अपना कमरा मैंने समेटा। मैंने कहा गोलू नीचे है, क्योंकि जब मैं इसे ऊपर लाती तो ये मुझे कुछ नहीं करने देता है। यहाँ पे मैंने देखी कमरा अपना समेट लिया है पूरा ठीक से। अब ये ऊपर आएगा तो मैं मालिश करके इसको नहला दूँगी, फिर सुला दूँगी, उसके बाद मैं फिर एक्सरसाइज वगैरह जो भी काम होते फिर मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कमरा बिल्कुल सही से क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने नाश्ता लगा दिया है एडी के पापा का, अब वो उसके बाद देखिए मेरी सब्जी एकदम रेडी हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। तो ये पूड़ी पराठे के साथ आप खा सकते हैं, और ये सभी पसंद करते हैं लोबिया आलू की सब्जी। तो मैं लंच में लगा रही हूँ, एडी के पापा को आलू बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं उन्हें कोशिश करती हूँ सारी सब्जियाँ खिलाने की। तो यहाँ पर इनका लंच रेडी हो गया है, अब मैं ऊपर जाऊँगी गोलू को नहलाऊँगी। सो गाइज, मेरा बेटा रेडी हो गया है, मैंने इसको नाई नाई करा दी, अब ये सोएगा, अभी निन्नी करेगा, है ना। तो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। तो यहाँ पर शिवांश सो गए हैं, इनको सुला दिया है मैंने। हेलो एवरीवन, तो फ्रेंड मैंने अभी शिवांश को सुला दिया है और घर का काम भी सारा हो ही गया है। अब बस मेड आएगी तो वो बस झाड़ू पोछा करेगी, और अब मैं नहाऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी एक्सरसाइज करूंगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो एडी के पापा ऑफिस गए, एडी भी स्कूल गई है, खाना बन चुका है, तो अब ये सो रहे हैं। नहाने के बाद इनको सोने की रहती है, इस बीच मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो अब मैंने थोड़ा रूटीन चेंज कर दिया है मॉर्निंग का। तो पहले तो मैं क्या होता था, सारा काम 9 बजे ख़त्म हो जाता था नीचे का किचन का, उसके बाद फिर मैं रेस्ट करती थी, लेकिन अब मैं रेस्ट नहीं करती हूँ। अब मैं क्योंकि अब ब्लॉगिंग भी करती हूँ, तो मुझे बीच में अब इसके बाद मुझे एडिटिंग भी करनी है और रील्स भी बनानी है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम तो निकालना है। और एडी गई है स्कूल, तो उससे पहले मुझे ये सारे काम निपटाने हैं, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं फिर कुछ नहीं हो पाता है, फिर उन्हें भी ध्यान देना पड़ता है, उनका होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, पढ़ाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में। तो इस बीच मेरे पास ये टाइम बचा है, तो फिर अब मैं जो भी काम रह गया है वो मैं करूँगी। तो अब मैं ब्लॉग यही एंड करती हूँ, तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।